आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे गांव के घर का आंगन, जिस आंगन में बहुत सारे फूल और फल है। आप देख सकते हो मेरे आंगन की केली, उसे कितनी सारी केली लगी है। और ये है केली का कमल, कितना अच्छा खिला है ये कमल। और इसमें से छोटी छोटी केली बाहर आ रही है। और ये देखो इसमें कितने बड़े बड़े केले लगे हैं। चलो नींबू का पेड़ देखते हैं। नींबू के पेड़ को भी बहुत सारे नींबू लगे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ पक भी चुके हैं। इस नींबू के पेड़ को 12 महीने ही नींबू आते रहते हैं। और ये नींबू का पेड़ काफ़ी बड़ा और ऊंचा है। यह है चीकू का पेड़, इसे भी 12 महीने चीकू आते रहते हैं। आप देख सकते हो कुछ चीकू बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। और ये है चीकू के पेड़ के छोटे छोटे फूल, इसे भी साल भर चीकू आते रहते हैं। हमें तो पेड़ पर पके हुए चीकू बहुत पसंद है। किस किस को पेड़ पर पके हुए ताज़े ताज़े फल खाना पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसे दबा कर देखती हूँ पका है कि नहीं। जब चीकू पकता है तो उसकी खुशबू दूर तक आती है। और पेड़ को थोड़ा सा हिलाओ तो पके हुए चीकू नीचे गिर जाते हैं। ये चीकू का पेड़ भी बहुत बड़ा है। अब दिखाती हूँ सीताफल का पेड़, इसे सीताफल लगे हैं, कुछ पक्षियों ने खा लिए हैं और इसे इतने बड़े बड़े सीताफल आते हैं। यह है पत्थर चट्टा का पेड़, इसे पानफुटी भी बोला जाता है। इसके पत्तों के कोने से नया पेड़ निकलता है। क्या आपने पत्थर चट्टा के फूल कभी देखे हैं? तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी पहली बार देखे हैं। आप देख सकते हो कितने सुंदर फूल है। इसके दूर से ये बिल्कुल अंगूर जैसे लगते हैं। अब मैं दिखाती हूँ गुलाब का फूल, ये देखो कितना खिला है। इस गुलाब को भी 12 महीने गुलाब आता रहता है। और इतने सुंदर सुंदर फूल और कलियाँ आई है। यह लहसुन, ये देसी लहसुन है। इसके बीच बीच में मेथी की सब्ज़ी भी लगाई है। जब हमें सब्ज़ी बनानी होती है तब हम इसे इस तरह तोड़ कर लेते हैं। इससे सब्ज़ी साफ़ करनी भी नहीं पड़ती। और ऐसा तोड़ने से दोबारा मेथी की सब्ज़ी आती है। और मेथी की सब्ज़ी को मेथी की सेंग भी लगती है, उससे अगले साल के लिए मेथी के बीज भी मिलते हैं। और सर्दियों में मेथी के लड्डू बनाने के लिए मेथी भी मिलती है। अब दिखाती हूँ धनिया, ये देखो हरा भरा धनिया, ये भी देसी धनिया है। इसकी वड़ी बहुत अच्छी बनती है और ये भी बहुत सारी लगाई हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ देसी पालक। देसी पालक के पत्ते नॉर्मल पालक से हल्के से छोटे और पतले होते हैं, लेकिन स्वाद में बहुत स्वादिष्ट होती है इसकी सब्ज़ी। आपको हमारा ये गार्डन कैसे लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। थैंक यू।